everyone. So 6 p.m. live and we are here. So I'll wait for some people to come. I'm here to kick some asses and I am 100% sure not many of you will like this live. And I really have to do this. I hope I'm audible. Hi Forum, what's up? I hope I'm audible to everybody. Can you all tell me if I'm audible? Hi. Hello. Okay. So, hi Isha. So, yeah. So, I plan to do this live because it was very important. Hi Akshit. Okay. All my friends who are going to join the live and hear me. Hi Ankur sir. So all the people already, I'm just saying hi. So I just wanted to talk. I may basically rant about whatever is going on. And it is very important for people to know what's happening. So my first topic would be Instagram trolling. Okay. So it is very irritating when I have to fulfill what you guys want me to do on my own social media handle. I mean, I am okay with the fans and people following me, giving me advices and telling me like a nice advice. Ki Divya, we want to see you aise, hum log ko aapko aise dekhna hai, hum log ko aapko aise dekhna hai. Okay, agreed. Everything is okay. But when I do something and if I do something in north, you want me to do something in south or probably west or probably east. But there's a way of saying it. I'm not saying that everybody is gonna like you and everybody is gonna talk about you. No. I also am a person, I'm a human. People like me, people don't like me. It is completely their opinion. But there are times when I also don't like people. But I don't say things which might hurt them as a human. It's just that haan, mujhe nahi pasand ho, aap nahi pasand ho, aap apni jagah theek ho, main apni jagah theek ho. With time I've understood, with time मैंने ये सीखा है कि तुम क्यों बकवास करना चाहते हो किसी के बारे में. मतलब नहीं है किसी के बारे में बकवास करके. सो देयर इज नो पॉइंट. सो मैंने अभी इंस्टाग्राम पे काफ़ी अपने चेंजेस किए हैं. आई नो काफ़ी लोगों को चेंजेस बहुत अच्छे लगे हैं. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक ऑल द पीपल हु आर सपोर्टिंग मी फॉर ऑल दीज फोटोशूट्स बिकॉज आई एम काइंड ऑफ इन एन एक्सपेरिमेंटिंग ईयर. बट जिन लोगों को ये फोटोशूट्स नहीं पसंद आ रहे हैं, लाइक अर्ली आई यूज टू गेट मैसेजेस के अरे आप तो बिल्कुल भी फोटो नहीं डालते, आप ये नहीं करते, आप वो नहीं करते. और अब जब मैंने डालना शुरू किया है तो आप ऐसे क्यों कर रहे हो, वैसे क्यों कर रहे हो. आई डोंट गेट यू गाइज, आई जस्ट डोंट गेट यू गाइज. नाउ व्हेन आई पोस्टेड माय फर्स्ट पिक्चर्स द ब्राइडल शूट व्हिच वाज डन बाय अमित, पीपल ट्रोल्ड मी के आपने सर्जरी करवा लिया, ये करवा लिया, वो करवा लिया. नो, मैंने कोई सर्जरी नहीं करवाई है. इट इज ऑल स्टिल द सेम. एंड अगर मैं करवाऊंगी कभी सर्जरी तो मैं जरूर बताऊंगी अबाउट इट. आई एम नॉट अ पर्सन हु विल हाइड एनीथिंग. यू गाइज नो मी सिंस सो मेनी इयर्स नाउ. आप लोग को मुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है कि यू नो आई डिड नॉट, आई एम नॉट डूइंग एनी सर्जरी. हाई वर्क. सो वाई आर यू सो डाउटफुल कंफ्यूज. I'm talking about how much people just want to troll and कितना जो भी हम बोले कुछ भी करें. वरुण नहीं, ये नहीं करना यार, जान बहुत सीरियस टॉपिक है जाना. सो वरुण डजंट नो हाउ टू टॉक सीरियसली, ही डजंट टेक एनीथिंग सीरियसली. वरुण स्टॉप डूइंग दैट. जान सच्ची जान, जान सच्ची जान. क्या बोल रहे हो? अरे यार, I've done these photo shoots and people are saying either I've got my surgery done, मैंने अपने lips करवाए हैं या पता नहीं क्या करवाया है, अपने face पे jaw करवाया, पता नहीं क्या करवाया. surgery कराई है मैंने. जॉ होता है सो होता है. वरुण नहीं, बट मुझे ये बताना है कि अगर कोई सर्जरी कराता भी है तो क्या हो गया? नहीं, उसकी रिकवरी को बहुत टाइम लगता है. ओ हेलो, ओ हाय. तो मेरा पूरा घर मेरे साथ है आज लाइव में. सो आई हैव हरमन भाई ऑल्सो इन द लाइव. हाउ वी एंटर्ड द सेम, यू गाइज एंटर्ड द एग्जैक्ट सेम वे. ऐसे गाइज, दैट्स हरमन.
मैं सुन एक बड़ी सीरियस बात कर रही हूं। हां मैं सीरियस बात कर रही हूं बिकॉज़ आई एम रियली इरिटेटेड एंड पिस्ड विद द काइंड ऑफ ट्रोलिंग एंड द काइंड ऑफ लैंग्वेज पीपल यूज व्हेन दे वांट टू ट्रोल समबडी एंड आई हैव अ क्वेश्चन द लैंग्वेज दैट यू यूज ऑनलाइन ट्राई टॉकिंग द सेम वे टू पीपल अराउंड यू इन रियल लाइफ एंड सी देयर रिएक्शन पार्ट नहीं एक बार कोशिश करके देखो क्योंकि बहुत चौड़े में लोग बहुत सारी गालियां वाले देते हैं ऐसे अगर आप चलते फिरते बाहर बात करोगे तो कैसा रहेगा लाइफ में पढ़ाई कर लो थोड़ा पढ़ लो थोड़ा पढ़ाई कर लो पढ़ लो जरा ओके दिस इज व्हाट हैपेंस इन माय हाउस इफ आई टॉक समथिंग सीरियस दीस टू बेटा तुमसे नहीं हो पाएगा ये अच्छा बात नहीं अच्छा बात नहीं ओके गो 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 one thing and then let's talk about farmers oh my god such a huge topic people are talking about it people are getting into the controversies sab log baat kar rahe hain mujhe log bol rahe hain ki aap log baat karo aap log baat karo aap log baat kyun nahi kar rahe ho I want to talk but for that I really need to know everything I need to know हम क्या कर रहे हैं गवर्नमेंट से क्या रूल्स आ रहे हैं क्या रेगुलेशंस आ रहे हैं एंड व्हाट इज बीइंग डन व्हाट इज नॉट बीइंग डन इट इज अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक आई डोंट वांट टू रैंट लाइक अदर सेलिब्रिटीज के भाई ये गलत हो रहा है वो गलत हो रहा है और मुझे गालियां नहीं देनी है मुझे वायलेंस नहीं क्रिएट करना है ऑब्वियसली आई वॉन्ट दिस टू बी सॉल्वड एज सून एज पॉसिबल बिकॉज आई जस्ट कांट सी एनीबडी ऑन द रोड and you know homeless and wanting and struggling for their rights and I also don't want people who are trying to stop the riots and they also get caught up un log bhi chapete mein aa jate hain the police and the army they are doing so much they're doing really they're taking efforts to stop this riot and to stop this kind of controversy I just want people to be in peace I mean I don't want them to fight I don't want them to do anything this is just a layman I am a very small ह्यूमन आई एम अ वेरी स्मॉल क्रीचर ऑन दिस प्लैनेट मुझे नहीं मेरे बोलने से क्या फर्क पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा आई डोंट नो आई जस्ट नो वन थिंग दैट आई वॉन्ट एवरी थिंग टू बी सॉल्वड पीसफुली दिस इज ऑल आई रिक्वेस्ट एंड मेरे टाइम से मेरे अपने साइड से वॉट आई एम डूइंग आई डोंट वॉन्ट शेयर इट विद यू गाइज मैं अगर कोई चैरिटी कर रही हूँ वहां पर अगर लोग हैं मुझे सिर्फ इतना पता है कि मुझे वहां पर जितने लोग हैं बेचारे जो रस्ते पे हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जो वो प्रोटेस्ट को रोकने की कोशिश कर रहे हैं दे बोथ आर इन द सेम सिचुएशन दे आर स्ट्रगलिंग एंड अगर मैं उनकी हेल्प करना चाहती हूँ तो मैं वो सोशल मीडिया पे नहीं करूंगी आई एम नॉट गोना डू दैट आई हैव मेनी रिलेटिव्स आई एम फ्रॉम पंजाब देर आर मेनी पीपल इन माई फैमिली हु आर इन टू दिस बिजनेस ऑफ फार्मिंग आई एम हेल्पिंग देम इन माई ओन वेज जो भी मैं कर सकती हूँ बट आई कैन नॉट scream like other celebrities and you know I cannot blame anybody ki ye ek bande ne kiya hai agar ye kisi ek individual ne kiya hai today we are the most one of the most populated country and agar hum log ki itni zyada population hai there are so many different people with weird ideas and weird plans so there are so many people with weird plans in their head and people take advantage वो ये सिचुएशन का ऐसा एडवांटेज भी ले सकते हैं एंड दे कैन स्क्रू अप थिंग्स एंड नाम पूरी कम्युनिटी पे आता है बी एट द एंटायर पुलिस कम्युनिटी बी एट द एंटायर आर्मी बी एट द एंटायर गवर्नमेंट एंड बी एट द एंटायर फार्मिंग कम्युनिटी देर आर गुड एंड बैड पीपल इन एवरी कम्युनिटी यू गाइज हैव टू रियलाइज वी कैन नॉट ब्लेम एनी कम्युनिटी और वी कैन नॉट ब्लेम एनी ग्रुप वी जस्ट नीड टू नो व्हाट इज द रूट कॉज एंड वी नीड टू वर्क ऑन इट एंड जब तक हम जैसे लोग को समझ में नहीं आएगा अगर हमको समझना ही है तो वी कैन जस्ट हेल्प पीपल एंड नॉट ब्लेम कि किसकी गलती है किसकी गलती नहीं है और हमें नहीं सिखाना चाहिए किसी को उनका काम क्या है सो इट्स द सेम वे सो आई जेन्युइनली आई डोंट टॉक अबाउट फार्मर्स बट येस आई हैव अ लॉट ऑफ हार्ट फॉर देम आई डोंट नो हाउ दे आर डीलिंग विद ऑल ऑफ दिस आई कैन नॉट टेल यू व्हेन आई हैव सो मेनी प्रॉब्लम्स इन माई पर्सनल लाइफ I cannot even imagine what they all are going through. So I just want everybody to be in peace and country ki baat country mein hi rahe to better hai. You guys are boasting about yes international and Hollywood people are commenting about it and we are not talking about it. I just want peace and is peace ke liye I don't want anybody who's not Indian talking about it and we all are like ha usne baat ki. Are yaar hamari country hai
हम आपस में सॉल्व करेंगे और बहुत प्यार से करेंगे, हम प्यार से करना चाहते हैं, बट आई जस्ट वॉन्ट यू ऑल टू नॉट गेट वायलेंट अबाउट इट. थोड़ा आराम से भी हो सकता है. इट्स अ ह्यूज नेशन एंड थिंग्स टेक टाइम. आई नो इट्स रॉन्ग, आई नो इट्स वेरी रॉन्ग. दिस शुड हैव बीन डन वेरी वेरी अर्ली, बट इट्स जस्ट हाउ इट इज. एंड वी हैव स्पोकन अबाउट इंस्टाग्राम ट्रोल्स, वी हैव स्पोकन अबाउट फाउल लैंग्वेज, एंड वी हैव स्पोकन अबाउट माई इंस्टाग्राम. लेट मी टॉक अबाउट माई वर्क. सो आई हैव अ ह्यूज प्रोजेक्ट कमिंग माई वे, एंड वो अभी भी शूट चल रहा है उसका. एंड आई एम 100% श्योर when that shoot comes out, आप लोग को बहुत मज़ा आने वाला है, बिकॉज इट्स समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग आई एम डूइंग. तो आई वॉन्ट यू ऑल टू वेट फॉर इट. एंड इंडस्ट्री से काम काफ़ी आ रहा है, बट आई एम बींग वेरी सिलेक्टिव अबाउट वॉट आई वॉन्ट टू डू, बिकॉज आई हैव गिवन अ लॉट ऑफ टाइम इन माई स्ट्रगल. आई हैव स्ट्रगल फॉर 12 years. टूडे वॉट आई एम, आई हैव स्ट्रगल, मैंने इतना स्ट्रगल किया है और इस चीज़ को 12 साल लगे हैं. और अगर इस चीज़ को 12 साल लगे हैं तो मुझे ऐसे भी कोई भी प्रोजेक्ट नहीं उठाना है जो मेरा करने का मन नहीं है. सो आई एम बींग वेरी सिलेक्टिव कि मुझे ये प्रोजेक्ट करना है, ये स्क्रिप्ट करनी है. आई डिड रागिनी बिकॉज रागिनी में मेरे कैरेक्टर को एक मैसेज पहुंचाना था लोगों तक, एंड आई एम ऑलवेज अप फॉर इट. इफ देर इज एन एक्टिंग सीरीज और फिल्म और एनी सीरियल विच हैज़ अ गुड मैसेज फॉर द सोसाइटी, आई वुड 100% डू इट. बट मी एज अ पर्सन, एज एन एक्टर, आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट माई टाइम इन समथिंग सुपर फिक्शनल, विच इज गुड फॉर एंटरटेनमेंट बट नॉट गुड फॉर सोसाइटी. इट्स नॉट हेल्पिंग एनीथिंग. सो आई वॉन्ट टू डू समथिंग लाइक दैट. हाँ, कभी अगर करना है तो मैं वो भी करूँगी, बट देन इनिशियली राइट नाउ आई फील लाइक आई वॉन्ट टू डू समथिंग. इधर इट हैज़ टू बी एन अमेजिंग एक्टिंग प्रोजेक्ट और इधर इट हैज़ टू बी समथिंग विच आई कैन डिलीवर अ मैसेज. तो जो अभी मेरा करंट प्रोजेक्ट आने वाला है, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी बिग. सो द रीज़न आई एम टेकिंग ब्रेक इज बिकॉज मैं अपने आप को टाइम देना चाहती हूँ, एंड इट इज़ ओके. यू गाइज आस्किंग मी वॉट अबाउट द रियलिटी शोज यू वॉन्ट पार्टिसिपेट, वॉट अबाउट द नेक्स्ट वेब शोज यू वॉन्ट पार्टिसिपेट. एक तो कास्टिंग कॉल्स मुझे जब आते हैं तो दे डायरेक्टली आस्क मी, स्क्रिप्ट नहीं पूछ रहे, कुछ नहीं पूछ रहे, डायरेक्टली आस्क मी, अच्छा मैडम बोल्ड सीन है करोगे क्या? आई एम लाइक, पहले तुम स्क्रिप्ट बताओ मुझे, उसका जिस्ट बताओ. इफ आई लाइक द स्टोरी, एवरीथिंग कम्स विद इन द स्टोरी. आई डोंट वॉन्ट टू आंसर दिस थिंग कि ये अच्छा है ये बड़ा. तो ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट माई एक्टिंग प्रोजेक्ट. आई एम बीइंग वेरी सिलेक्टिव एंड आई एम ओके टू वेट. आई एम ओके टू वेट फॉर अ गुड प्रोजेक्ट. एंड एक तो आ ही रहा है, आई एम सुपर एक्साइटेड गाइज, ट्रस्ट मी. तुम लोग मुझसे पूछते रहते हो वॉट इज नेक्स्ट, आई वॉन्ट टू शेयर वॉट इज नेक्स्ट मोर देन एनीबडी. तो प्लीज थोड़ा सा सबर रखो एंड यू गाइज विल नो वॉट एम डूइंग. एंड टॉकिंग अबाउट YouTube नाउ हैज अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट्स. आई एम बीन रनिंग बिहाइंड डेवलपमेंट्स एंड YouTube में मेरा जो होम टूर है, जो आप लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हो, इट्स अ ब्यूटिफुल हाउस, आई अग्री, बट आई एम टेकिंग टाइम बिकॉज आई वॉन्ट एवरीथिंग परफेक्ट. एंड विद एवरीथिंग गोइंग इन माई फैमिली, I am only dedicating thoda sa time to my work. The rest of the time I'm with my family, I'm with my mother, I'm with my brother. I need to sort that out. YouTube video main dil se karna chahti hu, mujhe bhi jaldi hai, to jab main karungi I will do it. But please don't be harsh about it, ke ye nahi dalo, wo nahi dalo, ye aisa dalo, waisa dalo. Please guys, shut up, just shut up. हाँ, एंड बाकी यूट्यूब में एक और बड़ा मज़ेदार कुछ होने वाला है. आई एम गोना हैव माई ओन शॉर्ट फिल्म विच आई हैव रिटन एंड द कॉन्सेप्ट इज बाय मी. एंड आई एम गैदरिंग अ टीम ऑफ वेरी हार्ड वर्किंग एंड टैलेंटेड पीपल हु आर नॉट हियर फॉर मनी, हु आर हियर फॉर गुड वर्क. एंड आई एम ऑल्सो नॉट हियर फॉर मनी, आई एम हियर फॉर गुड वर्क. At times I'm here for good money also, but when it comes to doing something personal, I want things to be the best. So, usme I'm gonna write a short film and I'm gonna do, like, you guys are gonna love that short film. I've written it myself and you guys are gonna love it. I hope so. So, this is it, and this was all about me and myself. And I'll keep doing live, and I don't know tum log se main kya baat karu, because you guys. There are so many messages, but then yeah, thankfully I have a lot of people who are supporting me
And after what has happened in my family, I have a lot of friends who are supporting me on my things, and there's a huge announcement, there's a huge business announcement which I'm going to announce this year, and everything is on a roll, and I swear to God, I'm not free, even for some time. I am constantly working, and I'm working in silence. I don't want to make sound, and I want my work to speak. So guys, I just want you all to be patient. Everything will happen, and that's it. I just wanted to speak about all of this, and I think we are good. Barun is inside. He is enjoying his new PS5. And we're going to do something really nice for Valentine's, guys. We're going to shoot something on the 6th of this month. And tum logo bahut maza aayega, because it's obviously going to be me and Varun. And you guys request that all that also a lot. We are here, you know. I hate when people say, okay, Varun is not reposting your stories. Divya, you're not reposting Varun's stories. Aap ye nahi kar rahe ho, aap wo nahi kar rahe ho. Hum saath mein hai, guys. I don't want to prove any time now. It's done. It's final. Just because, and please stop asking about marriage and stop. Hi, Akku. I miss you. Akshita is here. So please don't ask me about marriage. Varun is too young. I don't know if I'm young, but... But Varun is too young, and we want to first make our life, yaar. I mean, hum log individually saath mein hai, humare liye ye bahut badi baat hai. Obviously, all of that will fall in place, but not so soon, guys. Tum log ko sab kuch aaj ke aaj hi chahiye. That's not possible. So, please stop asking about that. We live together, we stay together, sleep together, eat together, have fun. We all are here. My family loves him, his family loves me. I know that. So, everything is sorted. You guys don't need to worry about it. So I'm just being selective in my projects. I'm being selective ki main kya kar rahi hu. And Divya and Varun are gonna stay here for long, forever. So don't worry about that ever. Don't even doubt that. Don't even question that. And if people are doubting and questioning that, you might hear some abuses out of my mouth. I swear, I'm telling you, because you guys know, jab main gussa hoti hu, to main bahut gussa hoti hu. Hi Rakesh. Hi Anmol. So Anmol is also doing a segment. Talking about your first crush. I think I will do that with you very soon, Anmol. So, let's see. Haan, baba, ek saath hi hai hum dono. Stress mat lo us cheez ka. We are past that phase of our life where we are in doubt. Hi, everyone. So, let me know. And all the best, guys. And just yaar, music video ek maine kiya tha, but then ek music video ka problem hai. So let's see, abhi wo editing mein hai. So we'll see. So thank you so much, guys, and I love you all. And thank you so much for the people who are supporting me and who are loving my photo shoots. And maine koi surgery nahi karai. This is my real face. Sirf makeup thoda zyada acha karti hu main aajkal. I mean, the people, they do it. Kajol ki team hai, which they are collaborating with me, and they are doing really well. So thank you so much, and God bless you. Okay, bye. And I'm saving this live. Okay.